तो क्या हाल है दोस्तों, हमारी भीड़ थोड़ी सी बड़ी हो गई है और घर में 500 ताने सुनने के मिलते हैं। इसी के ऊपर थोड़ी सी पैची बियर्ड है मेरी, इस वजह से ये इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे पर्सनली, ऐसा लगता है। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि इतनी बियर्ड मेरे पे सही लगती है या फिर नहीं लगती है। लेकिन इसी के साथ हम सोचे इसको करते हैं ट्रिम, और इस फिलिप्स के ट्रिमर को हम इसी वक्त करेंगे क्वालिटी टेस्ट और दिखाएंगे आपको ये ट्रिमर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ये ट्रिमर आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाता है, इसका मॉडल नेम है BT1210। ये फिलिप्स का ट्रिमर है और तकरीबन 850 के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। और ये पिछले एक साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेरे भाई इसको यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यू, और इससे हम हेयर को करते हैं कट और अपनी बियर्ड को करते हैं ट्रिम। तो आपको मैं दिखाऊंगा क्वालिटी। इसके साथ आपको अटैचमेंट देखने को मिलते हैं जो कि यह है 5 mm का और यह है 1 mm का। इसके अलावा आपको एक 7 mm का भी एक अटैचमेंट देखने को मिलता है जो मेरे से अभी मिस हो चुका है। और 30 मिनट का बैटरी बैकअप है तकरीबन, कंपनी कहती है ऐसा। तो रियल टाइम में अगर जो देखा जाए तो करीबन 25 से 30 मिनट के आसपास ये चल जाता है, और इसको 8 घंटा चार्ज करना पड़ता है तब जाके ये करीबन 25 से 30 मिनट का आपको बैटरी बैकअप देता है। यार देखो, पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी सही चल रहा है, तो मतलब भाई क्वालिटी वाइज ये ट्रिमर काफ़ी अच्छा है। रही बात इसकी प्लास्टिक क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी की, तो यार वो काफ़ी बेहतरीन है। इसकी प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छी यूज़ हुई है, वॉशेबल हेड है। फिलहाल मैं इसको कभी वॉश नहीं करता हूँ और इसको थोड़ा सा इसे ही ट्रिम करके रख देता हूँ। जानते हो अपना भाई हो यार, समझते ही होगे, आप भी अगर वॉश करते हो तो भाई आप थोड़ा वो अलग लेवल के, वरना हम लोग इतना वॉश नहीं करते हैं इसको। बेसिकली मैं इसको ट्रिमिंग के लिए 0.5 mm की जो अटैचमेंट आपको इसके साथ मिलता है वही मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा ये जो अटैचमेंट है वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। हम इससे करेंगे ट्रिम और आपको देखने को मिलेगा, इतना आइडिया लगा सकते हो कि ये ट्रिमर कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है और आपके लिए ये यूज़फुल है या फिर नहीं। और हम इसकी क्वालिटी टेस्टिंग के बाद आपको ये दिखाएंगे।